नमस्कार, मैं आशा लता लिविंग नेचर से। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे नेचुरल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फंगिसाइड वुड एश कैसे आप लोग पौधा पेड़ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यूज कर रहे हैं। चलिए, ये जो वुड एश ना, ये सूखा हुआ पत्ता लकड़ी, ये हम जला के रख दिया और ये पेड़ पौधा के लिए बहुत गुणकारी है। ये पेस्टिसाइड फंगिसाइड ये सब कुछ काम में आएगा। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर। तो पहले हम इसको थोड़ा छान ले। छान लेने से आता है जो लकड़ी का ये है वो निकल जाएगा, ये पूरा जला हुआ नहीं। ये देखिए, ये जो सब निकल गया, ये सब गोटा गोटा जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये गाछ के लिए अच्छे नहीं है, ये हम फेंक देंगे। और ये जो हमको मिला जो लकड़ी के एस वुड है, यही अच्छा है, यही सब पौधा प्लांट में हम डालेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते हैं। ये सब ये जो एडूस ये सब थोड़ा थोड़ा करके दीजिए वुड एस। इसमें जो उड़ा लगता है ना, सब भाग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। और ये जो नीचे में भी थोड़ा करके दे दीजिए, ये फर्टिलाइजर का काम में आ जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, ये ज़्यादा करके ब्रिंजल का प्लांट में ज़्यादा कीड़ा लगता है, तो सब भाग जाएगा। हर प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। ये महीने में एक दो बार देने से बहुत फायदा होगा। ऐसा कर इधर इधर भी दे दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। ये सब छोटा छोटा जो शाक निकला, इसमें भी बहुत कीड़ा लगता है, ये सब कीड़ा भाग जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर। हर पौधा का गमला में दे दीजिए, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। इसमें कैल्शियम भी बहुत है। ऐसा करके डाल दीजिए।